वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाइनेक्स इंजेक्शन के बारे में, लिंक्स इंजेक्शन के बारे में। इसके बारे में पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे या आपको दांत में इन्फेक्शन होगा, आपको दाद होगा, बॉडी में खुजली, एलर्जी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये इंजेक्शन बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। दांत खाद खुजली में काम आता है और छोटे बच्चों में जो एक्ने दाने निकल जाते हैं उनमें काम आता है, एलर्जी में काम आता है, गर्मी में काम आता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों लाइनेक्स इंजेक्शन आता है, लाइनेक्स कैप्सूल आता है 500 mg का, लाइनेक्स सिरप आता है, लेकिन इनके सिम्टम्स और अलग अलग काम देखे गए हैं। ठीक है, लाइनेक्स इंजेक्शन का काम होता है कि आप सबको दे सकते हो, लेकिन लाइनेक्स सिरप को आप किसी को नहीं दे सकते हो। लाइनेक्स सिरप ओनली बच्चों को दे सकते हो, कैप्सूल आप किसी सभी को दे सकते हो, लेकिन बच्चे 5 साल से कम बच्चे को आप लाइनेक्स कैप्सूल बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, मेन टॉपिक में हम बात करते हैं। लाइनेक्स इंजेक्शन को हम यूज करते हैं दांत खाद खुजली में। अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत खुजली है, जिनको हम लोग देहात में घमौरिया, हिंदी में अंधौरी या घमौरी बोलते हैं, बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं शरीर में और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ठीक है, ये होता क्यों है? ये होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना होता है, पसीना होने के बाद में पसीना उसी स्किन को ड्राई करके सूख जाता है, स्किन हमारे पसीने को सोख लेती है, तो उस स्किन पे क्या होता है, स्किन वहाँ की नरम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, दिक्कत मेन होनी होती है कि हमारे कभी कभी गलहरी में क्या होता है कि दाद हो जाता है। जब हम लोग कभी अंडरवेयर पहनते हैं उसके बाद ऑफिशियल पैंट पहनने के बाद में हम अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि अगर दिक्कत होती है, पसीना ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हमारे जांघों के बीचों में जो है दाद हो जाता है। ठीक है, बहुत उसमें ईचिंग होती है और खुजलाहट ज़्यादा होना, ईचिंग होना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, कभी कभी बड़े बड़े दाने निकल आना, या कभी कभी होता है कि जो है हरपीज की दिक्कत होती है। हरपीज यानी कि हम लोग देहात में खसरा बोलते हैं, जो कि चिकन पॉक्स बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में हरपीज बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इस लाइनेक्स 2 ml इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका कम्बिनेशन होता है लिंकोमाइसिन इंजेक्शन, ये वाला इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है इंजेक्शन है, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है। इसका ब्रांड ही फेमस है, इसका एक ही नाम है, ब्रांड नाम है इसका लिंक्स इंजेक्शन, जो कि आपको ऑल इंडिया में मिल जाएगा। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बताओगे लाइनेक्स इंजेक्शन या लिंक्स इंजेक्शन, आपको तुरंत डॉक्टर दे देंगे। ठीक है, फार्मेसी वाले आपको तुरंत इस इंजेक्शन को दे देंगे। इस इंजेक्शन को IM/IV दोनों लगाया जाता है, लेकिन IV मतलब इंट्रावेनस में इसको लगाने से कभी कभी क्या होता है कि हेडेक हो जाता है, सर में दर्द और सर का घूमना। ठीक है, तो इसको जब भी कोशिश करें तो आप इसको IM इंट्रामास्कुलर लगवाएं। बच्चों में भी सेम इसको IM लगवाएं, बच्चों का 1 ml आता है, एडल्ट में 2 ml आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दाद है, ठीक है, ईचिंग के शरीर में, तो आप एबिल इंजेक्शन के साथ में इस इंजेक्शन को मिला करके यूज कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लाइनेक्स इंजेक्शन को। अंधौरिया होंगे उसमें ठीक हो जाएंगे, दांत खुजली होगा तो भी ठीक हो जाएंगे। डोज हम बात करें तो ये 2 ml इंजेक्शन जो है डेली लगता है, इसका 6 से 7 दिन का कोर्स होता है, 7 इंजेक्शन लगता है। अगर आपको दाद है बहुत ज़्यादा तो इस इंजेक्शन को 7 दिन तक आपको लगवाना, सुबह सुबह में 7 दिन तक, जो कि गारंटी के साथ आराम हो जाएगा। अंधौरियाँ हैं, घमौरियाँ हैं, तो इस इंजेक्शन को आपको 5 दिन लगवाना है एबिल इंजेक्शन के साथ में मिला करके। ठीक है, 2 ml लाइनेक्स और 2 ml एबिल मिला करके लगवा लीजिए। दोस्तों गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितनी दिक्कत हो ठीक हो जाएंगी आपकी घमौरिया से संबंधित। तो इस इंजेक्शन को आप लगवा सकते हो, ठीक है, और बच्चों में अगर छोटे बच्चों में दाना ज़्यादा है तो उनको 1 ml कमर में लगवाना है 5 इंजेक्शन, और लाइनेक्स सिरप को भी देना है इंजेक्शन लगवाना है, और जिनको ज़्यादा ईचिंग हो रही है जिनको इंजेक्शन नहीं लगवाना है वो 5 ml लाइनेक्स 500 mg का इंजेक्शन हो, 500 mg का लाइनेक्स कैप्सूल वो खा सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये थे लाइनेक्स इंजेक्शन, लाइनेक्स कैप्सूल और लाइनेक्स सिरप के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।